अच्छा साथियों, आज एक श्रद्धांजलि की यह गीत मैं उस वीर पुरुष की प्रस्तुत करने जा रहा हूं जो हमारे जदुवंश के हंस थे, बलिया जिला के दो दो बार जिला के शरीर रहे, स्वर्गीय हरेंद्र यादव जी आज हमारे आपके बीच में नहीं है। मालिक उनके आत्मा को शांति प्रदान करें, परिवार दोस्त मित्र हित नाथ सबको सहन शक्ति दें, जहां कहीं उनकी आत्मा हो मालिक उनके आत्मा को उच्च स्थान दे। इस श्रद्धांजलि गीत के साथ साथ जिला केसरी पहलवान हरेंद्र यादव जी का जीवन परिचय मैं सुनाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इस गीत को सुन करके और हमारे स्वर्गीय हरेंद्र यादव जी को जरूर श्रद्धा का सुमन अर्पित करेंगे। जो भी गलती होगी आप क्षमा करेंगे, दिल बड़ा दर्वित है। आज हमारे समाज का एक बहुत बड़ा क्षति हुई है, दर्द है दिल में, लेकिन एक कलाकार होने के नाते मैं अपने गीत के माध्यम से श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूं। भाव है मास्टर। मान सम्मान को जिसने समझा विरासत, ऐसा अनमोल इंसान थे ओ हरेंद्र। खुद जो कर्मों से इतिहास अपना संवारा, अलग सबसे वो पहचान थे वो हरेंद्र। सर उठा के जिए मुस्कुरा के जिए, हर दिलों से जो अरमान थे वो हरेंद्र। अरे नमन कर रहा है हृदय आह भर के, दिनेश धर्मेंद्र की जान थे वो हरेंद्र। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान हरेंद्र यादव की वो सावली सूरत और उस सावली सूरत की वह मुस्कान कभी जिंदगी में नहीं भूल सकती। मेरे साथी एक लाइन भाव कवि जी लिखे हैं, गजल का भाव बा कौन बा मास्टर। वीरों के ऊपर कवि ने भाव लिखा है, धरती पर रोज लोग पैदा होलन रोज मरेलन, लेकिन नाम सबका नहीं होता, नाम उसी का होता है जो फर्ज के लिए मरता है, क्षेत्र के लिए मरता है, समाज के लिए मरता है। ऐसे थे हमारे भैया हरेंद्र यादव पहलवान जी। धरा पे रोज यहाँ लाखों आते जाते हैं, किसी का नाम मरने पे लोग गाते हैं, किसी किसी का नाम मरने पे लोग गाते हैं, धरा पे रोज यहाँ लाखों आते जाते हैं। बाबूजी हमरे हरेंद्र भैया के थोड़ा जीवन परिचय बा, कहाँ पैदा भइलन, कैसे नाम भेल, का रहला हरिंदर भैया तो नहीं सुना। बागी बलिया जो बिरंगना ये माटी है, सपूत दामन में पैदा करती खाती है, जिस धरती पर वीर समरू लोरी के आए थे, जहां पे भृगु मुनि जोग को रमाए थे,
गांव महाराजपुर भीमपुरा अंदर थाना है, विश्राम यादव का एक छोटा सा घराना है। महाराजी देवी के अब तन से छो गोय अंश सही, मरचू हरिंदर मुन्ना और हरी वंश सही। चार बेटों के बीच घर में दो कुमारी हो, छोटी लल सा बड़ी बेटी देवारी हो। पिताजी का नाम विश्राम यादव जो बहुत बड़े पहलवान थे, माता का नाम महाराजी देवी बारे भगवान, गांव का नाम महाराजपुर, माई का नाम महाराजी देवी। कितना बढ़िया संयोग बा, माई के तन से महाराजी देवी, माई के तन से चार बेटा दुई बेटी पैदा भईली। बड़े बेटे का नाम मरछू भैया मास्टर है, इसके बाद हमारे अंतर्राष्ट्रीय पहलवान हरिंदर यादव, तीसरे भाई हरिवंश पहलवान जो अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है, छोट भाई का नाम मुन्ना यादव, दूगो बहिन है, बड़ी बहिन का नाम ललसा और छोटी बहिन का नाम देवारी। पूरा परिवार खुश बा, हमरे विश्राम चाचा जी का पूरा परिवार हसत खेलत बा, फुलवारी झूमत बा। तो वो समय कभी जी तनी भाव लिखले हमन, चार गो बेटा और दू गो बेटी के पाके विश्राम चाचा कितना खुश हम भाव बा कवि जी। मजबूरी है मेरे विराज सुनने वाले साथी, हमारे समाज की बहुत बड़ी क्षति हुई है, धोम तरज गाने का दिल नहीं है। हर विराह आप सुनते हैं हमारा, आज इस विराह को केवल श्रद्धांजलि के रूप में मैं गा रहा हूँ, धोन नहीं गाऊंगा, भाव केवल बता रहा हूँ। परिवार का हालत विश्राम चाचा कितना खुश बनन, चहके कुल का चमनवा ए भैया, चहके कुल के झुमत बाटे सकल परिवार भैया, झुमत बाटे सकल परिवार भैया, चहके कुल का चमनवा ए भैया, चहके कुल के चारों बेटा के जब देखा राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न जैसे, कितना विश्राम चाचा खुश होवन। बाबू विश्राम चले छतिया फुलाई, छाती चौड़ा हो जात बा, दुना हो जात बा विश्राम बाबू जी का, काहे कि लोग बतावत होवन हे विश्राम भैया, ये विश्राम चाचा त्वार हरिंदर यादव गरीब का मदद करत हवन, मजबूर का मदद करत हवन। तो जब ई बतिया के सुनो विश्राम चाचा, बाबू विश्राम चले छतिया फुलाई, धीरे 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 हरिंदर भैया को उम्र 14-15 बरिस का भइल,
बाबूजी विश्राम यादव की अखाड़ा पर साथे जाकर याद करे लगलन। एक तरफ पढ़ाई, दूसरे तरफ अखाड़े में कुश्ती, तब भाव लिखल गई। एहवर हरिंदर लगले धीरे धीरे बढ़े, रियाज बनावे लगल। धीरे धीरे क्षेत्र जवार में चर्चा होखे लगल। विश्राम पहलवान के लड़का हरिंदर बड़ा नीक कुश्ती लड़त बा, बड़ा अच्छा पहलवान हुई, पढ़े में भी अच्छा, लड़े में भी अच्छा, नौजवानन के साथ में रहे लगलन, सबका दुख दर्द समझे लगलन, सामाजिक भी रहलन। धीरे धीरे कुछ दिन का जब समय बीतल, हरिंदर यादव पहलवान के मन में एक जिज्ञासा जगल कि ये क्षेत्र का हम बहुत बड़का पहलवान हुई, जिला का बड़का हुई, देश का बड़का हुई, अपने क्षेत्र जवार का नाव कर। मनवा में सोचत हो का सोचत हो तर्जमा, नमवा हमार हो कि दुनिया में रोशन हुई है। मन में जिज्ञासा बा, बड़का पहलवान होके देश के सेवा करब, चमकल पहलवानी लोग करे बाह बाह हो, क्षेत्र जवार के लोग हरिंदर के दुलार प्यार देवे लगल, मान सम्मान मिले लगल, पहलवानी बढ़े लगल। अब वही पीछे भैल का तरी सुना, चमकल पहलवानी लोग अकबरे बाह बाह हो, वही बीच भइल बाते तारा से बियाह हो, नमवा हमार हो कि खूब चर्चा हो गई पहलवानी में। हरिंदर पहलवान का चर्चा मचल बाप, यही बीच में जिला के सरी का चुनाव भेल, पहलवानी के दंगल का जब प्रचार भयल, हरिंदर जब सुनल बाप के, बाबूजी विश्राम यादव सुनलन अपनी बेटा हरिंदर के, कहला कि बेटा चलो आज जिला केसरी का चुनाव बा, दंगल बा, चल जे कुश्ती देखे। आज जब कुश्ती देखे गिलन, बहुत बड़ा पहलवान आया, ऐलान कर दिया है इस बलिया के माटी का कोई पहलवान तो आकर के हाथ मिला ले, जिला केसरी का चुनाव है, केहू के हिम्मत नहीं पड़त बा। बाबू विश्राम यादव अपनी बेटा हरिंदर के ओर देखलन, कहला बेटा बहुत दूध पियौले, दूध का कर्ज उतार दे बेटा,
छटक के हरिंदर पहलवान जाके पहलवान से हाथ मिलौलन, जोड़ लिखाइल। आज जब जोड़ लिखाइल तो दोनों पहलवान जंगिया निगोटा चढ़ा के जब अखाड़े पर कुश्ती खातिर तैयार भइलन तो देखा इलाहाबादी तनी टुकड़ा है कुश्ती दंगल के तनी सीन बा। दोनों पैतरा पर पहलवान हमन वो समय के बाबा मास्टर कट्टर दोनों पहलवान गर्जे शेर की समान भइल दोनों से बात का मिलन वाना बराबरी के पहलवान है, केहू से केहू कम नहीं खे। कुश्ती देखे वाले लोग सोचत हवन का सोचत हवन, केहू से केहू न बाटे कम बाटे दुनहुन में दम, केहू से केहू न बाटे कम बाटे दुनहुन में दम, दंगल बीचे लड़े बागी पहलवान वाना। एक से एक दोनों पहलवान कोई से कोई कम नहीं बा। लोग सोचत हम कि आज कुश्ती में का हो ये भैया, लेकिन बारे हरिंदर पहलवान कैलन का उस समय लड़ाई के दौरान अखाड़े के मैदान में सुरजन चलन है दहाड़। मुकाबले के पहलवान का नाम था सुरजन पहलवान, हरिंदर पहलवान से एक कदम पीछे नहीं हट रहा है। आ तब तक भैल काम सुरजन चलन दहाल हरिंदर मारे राम बाण, सुरजन चलन दहाल हरिंदर मारे राम बाण, तड़तक ताली बाजल दंगल दरमिया नवाना। हमरे हरिंदर पहलवान का दू गो दाव नामी रहल, निकाल दाव भी मारे और राम बाण दाव भी मारे। राम बाण दाव के लगौलन आ एक सिकेंड ना लगल सुरजन पहलवान के अखाड़े के बीच में चित कर दिलन। आ जब चित कैलन वहां का वातावरण कैसन रहल तनी सुना। भारी मचल हाहाकार हरिंदर को गुजल जयकार, भारी मचल हाहाकार हरिंदर को गुजल जयकार, हरिंदर राख ली हले बलिया को सनवाना। बलिया जिला का पहली बार हरिंदर पहलवान जिला केसरी हो गईलन। आज जब जिला केसरी भइलन चारों तरफ पूरे देश में हरिंदर के नाम को डंका बज गए। लोग कही बात कहत हम का कहे मास्टर हरिंदर के शेर बारे पहलवान हरिंदर यादव।
चारों ओर से आशीर्वाद बधाई आवत बा लोग बहुत हमन का हरिंदर की नमम को गोरी का इल्तिहा बलिया जिला के केसरी रहे पहलवान स्वर्गीय हरिंदर यादव और दो बार अपने ग्राम पंचायत महाराजपुर के प्रधान भी रहे, जनता की सेवा करने लगे, नेता बन गए, पहलवानी भी करे और समाज का सेवा भी करे। लोग आवाज देवे लगन तेरी कलाई ने मास्टर अरे मोरे राम अरे हरिंदर ना भूलई है जीवन में अरे हरिंदर ना भूलई हो राम वो हरिंदर ना भूलई है जीवन में जुबा पर नाम बिराजी रही है दिल के अंदर हरिंदर पहलवान के लोग दिल में बसा लिया सम्मान करे लगलन साथ देवे लगलन हरिंदर पहलवान समाज को सेवा करे लगलन। लेकिन मेरे बाबूजी बिरहा सुनने वाले साथी लोग धीरे धीरे 2023 का 29 अगस्त का काला दिन जब आयल हो तो उस समय भैल का तो नहीं सुना ए बाबू 29 अगस्त रहल समय बड़ा सख्त रहल 29 अगस्त रहल समय बड़ा सख्त रहल आइल बा दुख का तू फान हो अगस्त के दिन सुबह 3 बजे हमरे हरिंदर भैया के सीना में मीठा मीठा दर्द भई गईलन फ्रेश भईलन हाथ पर धोलन आके चरफाई पर बैठलन गर्मी छिटके लगल बुला के परिवार के लोगन के बतावत हुवन कि सीना में बहुत दर्द होत बा गर्मी छिटकत बा। परिवार का लोग किढ़ीरापुर में एक हॉस्पिटल में लेके पहुंचलन दवा उपचार भेल आ तौले भेल कहो बाबू तनी हाई सुना हरि बंसी आइल बाने देखि घबराइल बाने हरि बंसी आइल बाने देखि घबराइल बाने ले चलले माऊ दरमियान हो देखि घबरा छोट भाई हरिवंश पहलवान कौशाम्बी से कुश्ती दंगल लड़के सुबह के पहर किढ़ीरापुर स्टेशन पर जब उतरल हमन खबर मिलल दौड़न पहुंचला हॉस्पिटल में भैया हरिंदर का हालत देख के तुरंत देर नहीं कैलन एम्बुलेंस में ले करके और मऊ के लिए रवाना हो गए। शारदा नारायण हॉस्पिटल में जब पहुंचलन जब लेके हॉस्पिटल में पहुंचलन तो देखे बाबू भैल का शारदा नारायण
जमन लिखल रहल उहे तबैले मनवा मालीन भइल लोग गमगीन भइल मनवा मालीन भइल लोग गमगीन भइल ईका तू कैला भगवान हो लेकर के आनंद फानंद में पहुंचे मऊ जनपद में शारदा नारायण हॉस्पिटल में सीनियर डॉक्टर संजय सिंह आते हैं। आकर के हमारे हरिंदर भैया के हाथ को पकड़ते हैं। जब हाथ के पकड़लन झरझर झरझर डॉक्टर साहब के आंख से आंस चले लगल। आवाज दिहलन का आवाज दिहलन हरिवंश घबरायल हुवल डॉक्टर साहब कुछ बोलत नहीं। हमार भैया ठीक बाड़न न डॉक्टर साहब बताओ तो उनका बतौलन। अरे छोड़ी क्या अरे छोड़ी क्या परार भैले हरिन दरे वीर नवाए भैया हरिन दरे वीर नवाए भैया ए भैया आखिया से बहे जलधार न हो राम हरिवंश पूछे तुम डॉक्टर साहब भैया हमार ठीक पड़ा ना। आंख से संजय डॉक्टर साहब की आंख से झरझर झरझर आंस चलत बा बाबू हरिवंश पहलवान के लिए इला में तनी देरी कर दिया लोग। अब हम कुछ ना कर सकीला उहे हो गए जन भगवान के मंजूर रहल। ई बतिया जब सुनल हरिवंश पहलवान हरिवंश जी घर धाई के बीरा ना कलसिया धाई के बीरा ए भैया कोई गईला दूनी याया नहार न हो राम गईला दूनी याया नहार न हो सबके सब लोग समारत बाप भीड़ हजारों की वो हॉस्पिटल में उमड़ल बाप। टेलीफोन घरे आयल हॉस्पिटल से कि हमन के बीच में हरिंदर भैया नहीं खन बाबू हो। वो बुढ़िया माई जब खबर के सुनलस कि हमार बेटा हरिंदर पहलवान दुनिया में नहीं खन यही बेटा के देख के हम अपनी पति का गम भुला गल रही कि हरिंदर हमार बाबू देश में नाव कमैले बा यही के सहारे हमार बुढ़ौती पार हो जाए। जब माई ये बात के सुनली कपार धक के जमीन पर बैठ गईनी रो के एक ही बात कहली का माई कहत बानी अरे गईले कमरिया के तोड़ रे सुगनवा
बखाले से रियाज कहके हरिंदर भैया जब घरे पहुंचा माई ओकरे पहले दूध हवट के रखले रहे बादाम और दूध अपनी हाथ से माई पियावे रोवे लगल माई ए बाबू हरिंदर छोड़ के चल गई ले रे बाबू उम्मीद रहल कि हमरे लाश के कंधा देब हे प्रभु हे भगवान ई कौन दिन देखवला माई कहत बानी का आवत रहल लड़ी के दूधवा पियाई लगाई बैठा के तू हके खाई आखिया छिट्टा मारा थी अम्मा का हो गए कौन दिक्कत हो गई माई रो रो के सारी जब बात बतौली आ तारा देवी हरिंदर भैया का दुल्हे नहीं सुनली कि हमार दुनिया उजड़ गई एक भागन के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता बाबू जब तारा देवी सुनली छाती में मुक्का मार के गिर गई मूर्छा टूटल जब होश आयल तब तक लाश लोग लेके दरवाजे पर आगल हवन हरिंदर पहलवान के लसिया पगीर के तारा देवी रो के एक बात कहली का कहती बाबू कि हमारे रजबू हो कि हमारे रजबू हो कहे न साथे गईला हम के लिया हमारे लाश के पकड़ के रोके एक और बात कहली का हम ना जनली छोड़ब हम के पहले हम चली जाती ये सैया रजबू हो कि हमारे रजबू हो सैया सैया कोहेली पगला हमारे रजबू हो जंगल के आग के तरफ चारों तरफ खबर फैल गई पूरे पूर्वांचल में शोक की लहर दौड़ी है जे जहे से चल दिहलते तहे से 29 अगस्त 2023 को घोसी का उपचुनाव चल रहा है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी कोपागंज बाजार में पहुंचे थे सारे लोग भीड़ लगाए थे जे जो है खबर पौलस सभा समाप्त के बाद सारे लोग हरिंदर यादव के दरवाजे पर पहुंच गए जनपद के
अगल बगल जनपद के जितने पहलवान थे, जितने चेला थे, नामी से नामी पहलवान, बड़े से बड़े पहलवान दरवाजे पर पहुंचे हैं। बलिया के मसीहा पूर्वांचल के स्वर्गीय शारदानंद अंचल जी के सुपुत्र, बैरिया के विधायक बड़े भैया जयप्रकाश अंचल जी पहुंचे हैं। बलिया के पौर जिला अध्यक्ष आद्या शंकर यादव जी पहुंचे हैं और मऊ जनपद के महाप्रबंधक बीएसएनएल आर के यादव जी पहुंचे हैं और उनके सुपुत्र पौर जिला पंचायत सदस्य विजय यादव जी पहुंचे हैं, सुरेश यादव जी पहुंचे हैं, गोपाल पहलवान लुधुई से पहुंचे हैं, रविंदर यादव पहलवान लुधुई से पहुंचे हैं, राजेश यादव छात्र नेता, ओम प्रकाश यादव छात्र नेता, विनय यादव समाजवादी पार्टी सीयर बेलथरा रोड के क्रांतिकारी सिपाही विनय यादव जी पहुंचे हैं, सदस्य जिला पंचायत अमरजीत यादव जी पहुंचे हैं, अजय यादव मोनू लखनी से पहुंचे हैं, संतोष प्रधान पहुंचे हैं चचाई पार से, क्रांति यादव पहुंचे हैं, डॉक्टर आलोक यादव पहुंचे हैं, लल्लन यादव पहुंचे हैं बलिया से, एजी यादव बरौली से, राजनाथ जिला पंचायत सदस्य विपिन प्रधान जी पहुंचे हैं, दरियाबाद से उपेंद्र प्रधान जी पहुंचे हैं। मैं किनका किनका नाम लो, 10-20 हजार लोगों की भीड़ लगी है दरवाजे पर। लोगों ने बताया कि शव यात्रा में इससे बड़ी भीड़ एक बार स्वर्गीय शारदानंद अंचल जी के शव यात्रा में हुई थी या कि आज देखने को मिली है हरेंद्र यादव के शव यात्रा में। बाबूजी देखें, जब लाश लेके लोग जनाजा जब उठौले है कंधा पर लोग, शमशान घाट तुर्ती पार बिल्थरा रोड के बगल में लेके चले शुरू कर लोग जब दरवाजे से, तो वो समय का बाबा मास्टर ए भैया शोक में समाइल बाटे अपलिया का धरतिया बाबू, गीतांजलि श्वेता सीखा लसिया पगिर के कोहरे, हमनी के पापा कहवा गईला हो विसागर। हरिंदर भैया का तीन बेटी गीतांजलि श्वेता सीखा, तीनों बेटी लसिया पगीर के रोवा थी पापा पापा कही के चिल्ला थी हो भैया आ तब ले हाई देखा गजब तो तब फैला बाबू विराट खाली पापा पापा कही के चिघरे, ये कही बेटा हरिंदर पहलवान जी का विराट बाबू कोई लसिया पगीर के रोवत बा पापा ओ पापा कोई के बोलाई के मोटरसाइकिल पर बैठा के पापा बाजार में लेके घुमावे जाई पापा कोई के रोवत बाप, लोग पकड़ के अलग कैलन। आज जब अर्थी उठा लिया तूफान सा छा गया उस महाराजपुर के माटी पर बाबू गजब भैल भैल का अरथी उठल बाधो के तारा झूल गईली भैया, कहा ले के जालो लोग से नुरा को हमार। बाबूजी जब लाश कफन से सजा करके हरिंदर यादव अमर रहे हरिंदर यादव अमर रहे नारा जयकारा लगाते हुए लोग लाश को कंधे पर जब उठाए
पागल सी हो गई तारा देवी, दौड़ के वही अर्थी के पकड़ लेके झूल गई, वही अर्थी के पकड़ के झूल गई। हे भैया लोग, कहा हमारी सैया के लेके जात हो ना बनबा, तो हम हो के ले चला वही चितवा पर बैठा के फूक दिया, जरा दिया। भैया मर जाइब लेकिन ये जिंदगी अब हम न जिया। बाबू भैल का सबही की अखिया से असिया बहुत बाबू, चुहारी बन समुन्ना भैया भैया कोई के डहके, भैया हो कोई दिहला दुनिया अनार। तीनों भाई अध्यापक हैं, बड़े भैया मरछू यादव, हरिवंश यादव, मुन्ना यादव, सब रोवत बा भैया ये का कैला जे सपनों में ना सोचले रहलो ही, आज वो दिन दिखा दिया ला। क्षेत्र जवान पशु पक्षी सभे रोवत बाम, सब रोवत बाम, बहुत बड़ी क्षति हो गई इस इलाके की, इस जिला की। लेकिन कभी नहीं अपने लेखनी से लोगों को सांत्वना देते हुए, सब्र कराते हुए एक बात लिखे हैं, आखिरी लाइन मास्टर। जब आई हाई लोग सब रोई, हरिंदर की नियर के हूँ फिर नहीं होई, मैं गायक बिरहा के गायक धर्मेंद्र यादव अपने ओर से अपने बड़े भैया स्वर्गीय हरिंदर यादव जी को श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूं। मालिक जहां कहीं आत्मा शांति हो, पहलवान जी की आत्मा को शांति प्रदान करें, उनके लोगों को सहन शक्ति दे, और हमारे इस गीत के रचयिता हमारे कवि दिनेश शर्मा जी बैठे हैं, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ इतनी अच्छी श्रद्धांजलि गीत लिखने के लिए। कुसुम पराग स्वामी गुरजद्दू गम में डूबा इलाका, काशीनाथ सुरंदर कहते कया जगत से भाका, अरे हरिंदर ना भूलई है जीवन में